अगर चीन भारत पर युद्ध की घोषणा करता है तो इसके कई आयाम हो सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में परिणाम भिन्न होगा, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में क्या परिणाम होगा इसका हमने जो आकलन दर्ज किया है वो लगभग तय है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है और दोनों देश खुद के हथियार से लड़ते हैं, यानी ना तो भारत को अमेरिका हथियार भेजता है और ना ही रूस भेजता है, तो चीन की फौजें 3 से 4 दिन के अंदर दिल्ली तक आ जाएगी और इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ने के हालत में नहीं होते तो इसका तावान चुकाकर युद्ध टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत ये जान जाता है कि चीन अगले हफ्ते फुल मूवमेंट में भारत पर हमला करने वाला है और अमेरिका और रूस भारत को हथियार देने से इनकार कर देते हैं, तो भारत शी जिनपिंग से उसकी मांगे पूछेगा। शी जिनपिंग अगर कहते हैं कि उन्हें भारत में हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का एक अधिकार चाहिए, भारत में 10 कर मुक्त सेज चाहिए और वो अरुणाचल में एक एयर बेस बनाना चाहते हैं, तो भारत उनकी ये मांग मान लेगा और हमें ये भी कभी पता नहीं चलेगा कि युद्ध टाल दिया गया। पिछले कई वर्षों से इसी तरह से युद्ध टालते आ रहे हैं। युद्ध कभी भी बंद नहीं होता, हर समय चलता रहता है। जो कमजोर होता है वो युद्ध टालने के लिए कीमत चुकाता रहता है। अगर अमेरिका हमें हथियार देने से इनकार कर दे तो क्या भारत चीन से 3 दिन भी लड़ने की स्थिति में नहीं होगा? भारत के 80% हथियार आयातित है, जबकि चीन अपने सभी हथियार खुद बनाता है। भारत टैंक से लेकर लड़ाकू विमान और युद्धपोत तक आयात करता है। आयातित हथियारों के साथ निम्न समस्याएं हैं। पहली, युद्ध छिड़ने पर हथियारों के दाम 10 गुना हो जाते हैं। आधुनिक हथियार दुनिया में सिर्फ 6 से 7 देश ही बनाते हैं। जब युद्ध छिड़ जाता है, ये देश हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं और हथियार देने के लिए तरह तरह की शर्तें ठोकते हैं, और उस पर भी जब हथियार देते हैं तो दाम 10 गुना बढ़ा देते हैं। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो लगातार हथियारों की जरूरत होती है। अब जो देश आयातित हथियारों के भरोसे युद्ध लड़ रहा है वो या तो युद्ध हार जाएगा या उसे हथियार सप्लाई करने वाले देश की सभी शर्तें माननी होगी। इस तरह जंग जारी रखने के लिए हथियार जुटाने के लिए संघर्ष करते रहना होगा, और ये सब समझौते गुप्त रूप से होते हैं, अतः देश के नागरिकों को ये सब कभी पता नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए, कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को लेजर गाइडेड बम देने से मना कर दिया था। हमें चोटियों पर कब्जा करने के लिए लेजर गाइडेड बमों की जरूरत थी, और इन बमों के बिना हम पाकिस्तानियों को खदेड़ नहीं पाते। लेजर गाइडेड बम सिर्फ अमेरिका, इसराइल, रूस और चीन ही बनाते हैं। चीन से तो हम मांग भी नहीं सकते थे, लेकिन रूस ने भी हमें लेजर गाइडेड बम नहीं दिए, क्योंकि 1998 में परमाणु परीक्षण करने के कारण रूस भी भारत से नाराज था। शर्तें तय होने के बाद हमें 15 लेजर गाइडेड बम दिए गए, जिनकी सहायता से हमने कारगिल की चोटियों पर विजय प्राप्त की। दूसरी, आयातित हथियारों में किल स्विच होते हैं। सभी आधुनिक हथियार जैसे कि लड़ाकू विमान, रडार, पनडुब्बियां, युद्धपोत, मिसाइलें आदि कंप्यूटराइज्ड होते हैं और इनमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं। जब इन्हें बनाया जाता है तो निर्माता कंपनी या इंजीनियर्स इनके सर्किट में किल स्विच रख देते हैं। इस किल स्विच के कोड उनके पास होने के कारण वो हथियार को निष्क्रिय कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं खोजी जा सकी है जिससे किल स्विच का पता लगाया जा सके। अगर एक बार किसी हथियार के सर्किट में फ्रोजन रख दिया गया, फिर इसे किसी भी तरीके से खोजा नहीं जा सकता। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी टीवी बनाए तो उसमें 2 रिमोट बना ले, एक रिमोट आपको दे दे और एक खुद अपने पास रख ले, लेकिन आपसे ये कभी नहीं कहे कि उसने इस टीवी का एक अतिरिक्त रिमोट अपने पास रखा है, और साथ में वो आपको ये भी कहे कि अगर इस टीवी के 2 रिमोट है तो हमें पता नहीं है। अमेरिका जब कोई हथियार किसी अन्य देश को बेचता है तो साथ में लिखित में ये घोषणा भी देता है कि अगर इस हथियार में कोई ट्रोजन या किल स्विच है तो हमारी कोई गारंटी नहीं। उदाहरण के लिए, सीरिया के पास रूस से खरीदा हुआ एक बेहद एडवांस रडार था, लेकिन 2007 में जब 7 इजरायली विमान परमाणु रिएक्टर पर हमला करने के लिए सीरिया में घुसे तो उस रडार ने काम करना बंद कर दिया, और जब इजरायली विमान रिएक्टर को तबाह करके चले गए तो ये फिर से काम करने लगा। बाद में कई एजेंसियों ने रडार के माइक्रोप्रोसेसर में फ्रोजन होने की संभावना बताई। हथियार निर्माता कंपनियों ने भी स्वीकार किया कि सेमीकंडक्टर चिप्स और माइक्रोप्रोसेसर को अगर फ्रोजन कर दिया जाए तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता और इससे रडार को जाम किया जा सकता है। ये माना जाता है कि इसराइल ने बड़ी मात्रा में पैसा देकर रडार बनाने वाली कंपनी से इसका किल कोड खरीद लिया था, और जब उसके प्लेन सीरिया में घुसे तो उन्होंने कोड की सहायता से रडार को जाम कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स नाम से जाना जाता है। तीसरा, स्पेयर पार्ट्स। आयातित हथियार जब खराब हो जाते हैं तो इन्हें रिपेयर के लिए उस कंपनी पर निर्भर होना होता है जिन्होंने इस हथियार को बनाया है। एक बार हथियार खरीदने के बाद जब तक उस हथियार का इस्तेमाल होगा तब तक हथियार को काम में लेते रहने के लिए इसके निर्माता पर ही निर्भर होना होगा।
ज्यादातर हथियारों के महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स थोड़े थोड़े समय में खराब हो जाते हैं और उन्हें बदलते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत की अकुला क्लास सबमरीन पिछले एक वर्ष से बंदरगाह पर खड़ी है क्योंकि गश्त के दौरान एक हल्की सी टक्कर के कारण उसका फ्रंट रडार क्षतिग्रस्त हो गया था। ये पनडुब्बी रूस ने बनाई थी, अतः रूस के इंजीनियर ही इसे आकर ठीक करेंगे और अगर इसमें किसी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी रूस ही देगा। अगर रूस स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजता है तो ये पनडुब्बी खड़ी रहेगी। उल्लेखनीय ये है कि चीन जब 1948 में आजाद हुआ था तो उनकी स्थिति भी भारत के समान थी। उनकी भी सारी फैक्ट्रीज आयातित मशीनों पर चल रही थी, लेकिन चेयरमैन माओ ने चीन की सभी फैक्ट्रीज की आयातित मशीनों को या तो तुड़वा दिया या उन्हें आग के हवाले कर दिया। माओ जानते थे कि जब तक हम अपनी मशीनें खुद नहीं बनाएंगे तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अगले कुछ वर्षों के लिए चीन की इकोनॉमी एकदम ठप हो गई, लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण जल्द ही चीनियों ने अपने देश में मशीनें बनाने की सफलता प्राप्त कर ली। बाद में इसी तरह से उन्होंने खुद के हथियार बनाने भी शुरू किए और जब माओ ने देखा कि भारत आयातित हथियारों पर निर्भर है तो उसने 1962 में हम पर हमला कर दिया। चौथा, विदेशी मुद्रा की हानि। पहली बात तो ये है कि आधुनिक हथियार बहुत ज्यादा मुनाफे पर बेचे जाते हैं। अगर कोई देश अपने खुद के हथियार बनाएगा तो उसे सिर्फ कच्चा माल और श्रम ही लगाना होगा, लेकिन जब इसे आयात किया जाता है तो इसके लिए 5 गुना ज्यादा दाम देने होते हैं। अब हथियार किसी सब्जी मंडी में तो मिलते नहीं है कि हम एक से नहीं तो दूसरे से मोल भाव करके खरीद ले। हथियार बनाने वाले देश कुल 4 से 5 ही है, अतः ये सभी देश ऊंचे दामों में हथियार बेचते हैं। मान लीजिए अगर हम खुद एक लड़ाकू विमान बनाते हैं तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए पड़ेगी और इसके लिए हमें कोई डॉलर खर्च नहीं करना होगा, लेकिन अगर हम इसे आयात करते हैं तो हमें इसके लिए 4 गुना ज्यादा पैसा देना होगा और समस्या ये है कि हमें ये राशि डॉलर में चुकानी होगी। अगर डॉलर नहीं तो हमें डॉलर का कर्ज लेना होगा। इस तरह हथियारों का आयात करने वाले अधिकतर देश हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। पांचवा, हथियार खरीदने में वर्षों लग जाते हैं। भारत ने 1999 में एडमिरल गोर्शकोव नामक एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का तय किया था। 2004 तक आते आते इसकी कीमत तय हो पाई और इसकी पेमेंट शुरू हुई। इसके बाद भी इसे भारत लाने में तकरीबन 10 साल और लगे। 2014 में जाकर हम इसे समंदर में उतार पाए। भारत ने 1995 में लड़ाकू जहाज तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी GE से इंजन खरीदना तय किया था और हमें इंजन 2004 में मिलना शुरू हुए। राफेल का उदाहरण ही देख लीजिए। भारत ने जनवरी 2012 में डसॉल्ट कंपनी से राफेल खरीदना फाइनल किया था और आज तक राफेल सिर्फ टीवी और अखबारों में ही उड़ रहे हैं। ये भारत की एयरफोर्स में कब शामिल होंगे कोई ठिकाना नहीं। अभी भी वो फार्स की तरह राफेल पर अखबारों के टनों कागज रंगे जाने हैं। हथियार खरीदने के लिए ज्यादातर इतना ही समय लगता है। दर्जनों प्रकार के एग्रीमेंट किए जाते हैं, मोल भाव होता है और सालों निकल जाने के बाद जाकर कोई हथियार मिलता है। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो हमें अर्जेंट हथियार चाहिए होते हैं तो 10 गुना दाम देने से भी पर्याप्त हथियार नहीं मिल पाते। कुल मिलाकर विदेशियों के हथियारों पर सेना चलाने से बुरा दुष्प्रभाव कोई नहीं और आयातित हथियारों पर चलने वाली सेना हमेशा पंगु और परजीवी बनी रहती है। आपका इस पर क्या है विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपका इसके अलावा और क्या विचार है वो भी जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।